अभी हम बिहार के उस धरती पर खड़े हैं जहां पर मोदी का विकास पिछले 10 सालों से पहुंचा ही नहीं है। आइए हम आपको वो विकास दिखाने का प्रयास करते हैं, वो धरती दिखाने का प्रयास करते हैं जहां पर मोदी का जो विकास है पिछले 10 सालों से पहुंचा ही नहीं है। आप गौर से सिर्फ देखते रहिए इन रास्तों को कि मोदी ने 10 सालों में आखिर किया क्या है। हम जितना भी दूर आपको ले जाएंगे, जिस गति से भी ले जाएंगे, आप देखिएगा कि रोड का जो है कैसी हालत हो रखी है। और मोदी जी कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा विकास कर दिया। क्या यही है मोदी का विकास? देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और ध्यान से देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो है गड्ढाएं हैं। बताइए बारिश के दिनों में लोग यहां पर कैसे चलते होंगे? बारिश तो छोड़िए यार, अभी देख लीजिए दूर दूर तक जिस रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी ट्रक चला करती थी, बड़ी बड़ी बसें चला करती थी, गाड़ियां चला करती थी, आज वो रोड जो है सुनसान पड़ा हुआ है क्योंकि इस रोड को देखने वाला आज कोई नहीं है। देख लीजिए, यही है वो विकास, मोदी जी का विकास, जो कि पिछले 10 सालों में हमारे बिहार में किया है। भाई वो पूछता है बिहार कि आखिर 10 सालों में मोदी हमारे बिहार के लिए किया क्या है। पूछता है बिहार कि आखिर हमारे बिहार में वो ऐसा कौन सा विकास किया है जिसके बलबूते हम बिहारवासी मोदी को वोट दे दे। आपको भी पता है कि 2019 के चुनाव में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं बिहार में वो मोदी को ही आया था, और उसके बावजूद अगर ऐसा हाल रहेगा हमारे बिहार का तो देख लीजिए कहाँ से उसको वोट दिया जाएगा। तो मैं अभी भी कहता हूँ सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए, और बेवकूफ़ बनने से अच्छा है कि कुछ ऐसी जगह पे बटन दबाइए जहां से हमारा विकास हो सके। दोस्तों आप लोग तो हाल देख ही रहे हैं, अब आप लोग ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये अंगूठा दिखाना है कि अंगूठा दबाना है, क्योंकि इलेक्शंस जो है वो आ चुकी है। अगर इस बार भी सही फैसला नहीं लिए तो फिर भी आपको देखिए इनसे भी बड़ा बड़ा गड्ढा आपको देखने को मिलेगा अगले 5 सालों में। तो सोचिए, सतर्क रहिए और बिहार को अच्छा बनाने के लिए अच्छे काम कीजिए और अच्छी जगह पे अंगूठा दबाइए।